तो भाई लास्ट क्लास में अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो हम हमने लोगों ने ऐड किया है, केटोन पढ़ा था। और शायद मैंने होमवर्क दिया था कार्बोक्सिलिक वाला, दिया था क्या? अच्छा वो नहीं तो सर, एल्काइन था वो। ठीक है हम ठीक है, वो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है ठीक है, तो देखो अब मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले विनीत बताएगा, विनीत जैसे कि मेरे पास केटोन होता है राइट, तो केटोन हाँ को सर, हम नोन बोलते हैं लास्ट में सफिक्स, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यस सर, सीओ होता है राइट, इस तरीके से। तो ये सीओ हमेशा बीच में आता है यस सर, हाँ सर। और पक्का? सर दो कार्बन के आइटम के बीच में आते हैं, हाँ ठीक है, तो दो मतलब कार्बन के दो बीच में आ कार्बन सकता है, ऐसा नहीं कि चार के बीच में आ जाए। सर, मतलब दो होना चाहिए मिनिमम, हाँ मैक्सिमम मैनिंग जितने नो लेने ले मैनिंग लो। नो, बिल्कुल सही है। अब अगर मुझे बनाना हो, मान लो प्यारे प्यारे बच्चों, पेंटेनॉन, तो अगर मुझे पेंटेनॉन बनाना होगा तो ये नॉन का मतलब क्या है, हम किटोन ही बना रहे हैं राइट। हाँ सर, अब अगर हम किटोन बना रहे, तो मैंने हमेशा क्या बताया, बीच से लाने के लिए हमेशा क्या करो, बस एक को छोड़ के कर दो। ठीक है, तो यस इसका सर, मतलब पहले पांच कार्बन बना लो, और पांच बनाने के बाद बस सबसे एक को बीच छोड़ वाला के, पकड़ लो। हाँ नहीं, सबसे बीच वाला नहीं, जस्ट एक छोड़ के, सबसे बीच वाला मत अच्छा लेना, ऐसा नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगी, फिर बताएंगे क्यों हो जाएगी। बस एक को छोड़ के ओके सर, करना है, ठीक है, बीच वाला नहीं, ऐसा ठीक नहीं है तो फिर सर, जब चार लोगे तो फिर क्या करोगे, तो इसलिए कंफ्यूजन वो से बात बचने सही के लिए है। हमेशा बस एक को छोड़ के करना है। क्या बात है हर्षिता, तुम पार्टी वार्टी से आ रही हो क्या, ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के, या सो के नहीं उठी हो अभी अभी? ठीक है, सर, बाल खोल नहीं रखे नहीं ना वो तुमने? पूजा की थी, ओ अच्छा, ठीक है गुड, स्कूटी पे घूम रही होगी सर, अच्छा 100 अच्छा की स्पीड पे, तो तो बाल मैं उड़ अच्छा। अरे वो तारीफ कर रहा है, वो स्कूटी पे बाल उठते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। वाली मूवी देखी है तूने, थ्री मैं इडियट बाहर वाली? नहीं जा पा रही हूँ। अच्छा 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 ओके, आई कैन फील योर पेन। ओके, लेकिन मैं तो बाहर खूब घूमता हूँ वैसे। चलो आते हैं, तो ये मेरे पास है, एचेस लगा दो हर जगह पे। ठीक है, तो हम हर जगह पे एचेस लगा देंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो इस मैंने बताया था हमेशा इस सेट के काउंट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, C3H7CO C3H7CO, और ये हो जाएगा मेरे पास CH3। तो ये मेरे पास है पेंटेनॉन। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, तो ना बस हमेशा एक को छोड़ के। सर, हाँ हाँ बोलो बोलो प्यारे प्यारे बच्चे, आपने पेंटेनॉन में लास्ट वाले में डंडी क्यों नहीं लगाई? डंडी क्या नहीं लगाई दंडी? सर, ये दंड मतलब अच्छा अच्छा इसलिए कि बॉन्ड, लास्ट बॉन्ड वाले। बॉन्ड, अच्छा हाँ बॉन्ड, देख मेरे को वही, लगा क्या बोल रही है बच्ची, डंडी। ओके ओके, लगाई तो है देखो। सर तीनों है ना अच्छा लास्ट अच्छा अच्छा वाले की। ये हाँ ठीक है, गलती से मिस हो गया मेरे से। ठीक है ठीक है, मिस मत करना, ठीक है, बिल्कुल लगानी है वरना वो अटैच नहीं रहेगा। ठीक है, अब आते हैं मेरे पास, मान लो हैप्टेनॉन, हैप्टेनॉन का मतलब सात होता है, एक को छोड़ के मतलब बस लास्ट वाले का एक छोड़ के बाकी में क्या लगाना है तुम्हें, ये सीओ, बाकी तो फिर कर ही लोगे। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से बाकी तुम हाइड्रोजन लगा लेना, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, C5H11CO CH3, यस तो ये मेरे पास है हैप्टेनॉन। ठीक है भाई, सर, सर आपने हेक्स वाला नहीं लिया? नहीं हेक्स वाला हेक्स मैं, वाला मेरी मर्जी, मैं कुछ भी ले लूं, अब इनमें से यही वाला ये हटा दो तो बस ये पूरा हेक्स बन जाएगा तो राइट। सीरियल में होना चाहिए ना सर। हाँ रैंडमली ले रहा हूँ मैं, तो ये करवा चुका हूँ ना, ये तो मैं बस रैंडमली ले रहा हूँ ताकि तुम्हें याद है या नहीं। अच्छा ठीक है, अब हम ले रहे हैं अपना नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि लास्ट कैटेगरी है इसके अंदर। कार्बोर, हाँ लास्ट फंक्शनल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सर तो यस यस, वो मैं थोड़ी लेट हो गई क्योंकि अच्छा वो अच्छा मैंने वो लास्ट क्लास वाला समझाया, मेरे पास बस केटोन होता है, केटोन का मतलब सीओ होता है, बस एक को छोड़ के हमें लगाना होता है। मैंने बताया था ना केटोन को हमेशा बीच में रखते हैं, तो बीच में भी कब, बस एक को छोड़ दो वो बीच में लगा दो, बीच का मतलब ये नहीं कि एकदम बीच में लगाना है, बस एक को छोड़ के अगला वाला, तो यही बीच माना जाता है। पर तो ऐसा ये क्यों करते हैं? अभी आएगा भी, मैं बताऊंगा इसके बारे में, नेमिंग गड़बड़ हो जाएगी ना फिर, अगर तुम कहीं पे भी लगाओगे रेंडमली, बीच तुम्हारे लिए बीच कुछ और है, किसी और के लिए वो बीच कुछ और होगा, क्योंकि बीच में तो ये देखो, बीच में अगर तुम देखोगे ध्यान से तो सर यहाँ पे बीच में 1 2 3 4 5 6 है बीच, अब तुम्हारे लिए कुछ और बीच है, इसके लिए किसी और बीच है, तो इसीलिए अभी इस रूल को फॉलो करो, अभी वो ऐसा क्यों होता है भी सब समझ में आ जाएगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। सर हम हाँ बीच बीच में खेल सर, लेंगे। इसमें हाँ H14 नहीं होंगे ऊपर वाले में, हेप्टॉन में? सर H14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही तो हो गए ऊपर अबे, ऊपर ही तो कर लिए, एक ग्यारह दो ही तो है, तीन चार दो पांच तीन छ चार सात पांच आठ छह नौ सात दस ग्यारह ज्यादा दिख रहा है बंदे को। इलेवन ही होगा सर, 11 ही है।
भाई यहाँ पे ना एक स्कूल खुला है, वहां पे ना एक्चुअली 1 2 3 का कोर्स चल रहा है। नहीं नहीं सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 5 दिन में वो सिखा देते हैं, ठीक है कि 5 दिन में आओ, और वो फीस भी नहीं लेते, बस मेरा नाम लेना कि हम सागर से ने भेजा है, तो वो बल्कि तुम्हें पैसा देंगे कि चलो लो बस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है तो मुझे बता देना, मैं मेरा कोटा चलता है वहाँ पे। स्कॉलरशिप पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है 14 है, पता नहीं कैसे हाँ गिनना ऐसा होगा लगता है, ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, हर किसी को लगता है, मेरे ज्यादा को भी दिख रहा लगता है, था कोई पहले, बात नहीं। ठीक है। तुमने शायद वो ज्यादा पढ़ लिया, याद है ना वो 14th डे जो तुमने पढ़ा, ओशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो वो 14th डे वाला ओव्यूलेशन शायद तुम्हें याद है। तो शायद ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया तुमने वाला चैप्टर, ठीक। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास क्या होता है, COOH, याद होगा सब बच्चों को, तो ये मेरे पास सी डबल बॉन्ड हो और ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है ऐसे, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑइक एसिड, पता होगा प्यारे प्यारे बच्चों, ऑइक एसिड बोलते हैं इसे, राइट। लास्ट में अब जैसे मान लो मेरे पास, क्या इसका मेथ पॉसिबल है, लोगों को लगता है कि नहीं, जब इतने सारे पॉसिबल नहीं है तो ये भी क्यों होगा, लेकिन अब लोगों को लग रहा है इसका मतलब पॉसिबल है, पता नहीं भाई कुछ भी हो सकता है। नहीं सर कैसे लगाते है? हैं। देखो एक कार्बन है, मैंने बोला था हमेशा फंक्शनल ग्रुप में हम कार्बन को इंक्लूड करते हैं या एक्सक्लूड, इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करते हैं, वेरी गुड माही, माही भी बोलती है कभी, वेरी गुड शाबाश, ठीक है। तो ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड हो और ये ऐसे ओ एच होता है, ठीक है। तो अब ये तो पूरा फंक्शनल ग्रुप ही हो गया, क्या इस कार्बन की अभी एक वैकेंसी है, चार होते ना, तीन तो हो यस गए, सर, एक दो तीन, तो एक यहाँ पे क्या लग जाएगा फिर, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन। सर लगाओगे फिर तो वो ये, ओ एच होते कि ओ बॉन्ड एच होता है? अबे ओ एच और ओ बॉन्ड एच एक ही बात है, ठीक है। ओके ओ एच सर, लगाओ वैसे, और रियल में तो ओ बॉन्ड एच ही होगा ना, ओ एच थोड़ी होगा ऐसे, ठीक है। हाँ रियल सर में तो सही ऑफकोर्स बात ओ बॉन्ड, ऐसे ओ एच एक साथ नहीं रहेगा, मतलब ओ एच के बीच में हमेशा बॉन्ड होता ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, है। तो ओके सर, देखो इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, एक बच्ची कह रही सर ये हो जाएगा CO2H2, क्या वो सही बोल लिया है, तो CO2H2 सर क्या सी वही ओ सी, एच एक साथ लेंगे, जिससे पता लग जाए कि हाँ कार्बोक्सिलिक वेरी एसिड गुड, तो है। सी ओ HCOOH, यस, तो HCOH एक साथ लेंगे, ये तो गंदा वाला एच है और ये सारा गठबंधन वाला है, ठीक है, गठबंधन दिखना चाहिए ना, तो इसलिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेथेनॉइक एसिड। किसी कोई डाउट है इसके अंदर, तो अगर सर राहुल बहुत गांधी खड़ा है, एकदम पीएम मोदी की हाँ सरकार है। बिल्कुल बेटा, अब की बार देखो सरकार गिरने वाली है बहुत जल्द, जिस तरीके की हालत चल रही है, पर ये जरूर कुछ ना कुछ धर्म वाला इंट्रोड्यूस कर देंगे, मुझे पता है। इनकी आदत राम ही है। मंदिर बन गया। हाँ अभी तो देख, अभी तो देखो ये बन रहा है, जब इलेक्शन आएंगे तो जब तक बन चुका होगा, तो फिर ये उसका उद्घाटन कर देंगे और फिर लोग इसी बात वोट कर देंगे। हाँ सर हाँ 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 यस यस, आपने माइनस लगाया ऊपर, एक बार ऊपर करना अपने आप, माइनस 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 तो नहीं होगा, ये सीओओएच माइनस नहीं है, ये माइनस का नहीं है, ये बॉन्ड है ऐसा, ठीक गंदा है। कह रहा है कोई, हाँ माइनस कह रहा है ठीक है, तो ये मेरे पास इतना ही है। अब मान लो तुम्हारे पास दो कार्बन होंगे, सर। हम ओएच के बीच में भी बॉन्ड दिखाएंगे, ओ एच लगाओ या ओ एच के बीच में बॉन्ड लगाओ, एक ही बात है। एक लड़की कह रही मैं तो ऐसे लगाऊंगी, जो करना है कर लो, मैंने कहा हम क्यों करेंगे, अच्छी बात है लगाओ, और एक दूसरी बच्ची कह रही मैं तो ऐसे लगाऊंगी सर, जो जो करना है वो कर लो, मैंने कहा मैं क्यों करूंगा, तो मैं जो करना है करो, दोनों ही सही है, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। तो उसमें माइनस हाँ कॉमन अगर ले तुमने किसी ने लिया। ऐसे कर दिया कि ओ के अंदर एच लगा दिया, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं 0 नंबर दूंगा, ठीक है, तो दोनों ही सही है। अब इतना ही कैसे रहे, सी सी है मेरे पास, तो अब एक को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, वही कार्बोक्सिलिक, तो COOH लो, मैं बस बार ऐसे करके दिखा रहा हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो और बाकी पे क्या आ जाएगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखना इस कंपाउंड को तवज्जो दी गई है बहुत। इतना ही, इसे सर एसिडिक एसिडिक एसिड का नाम सुना है कभी किसी ने, एसिडिक एसिड, तो ये एसिडिक एसिड होता है, CH3COH वेरी गुड शाबाश, ठीक है। तो ये है मेरे पास इथेनोइक एसिड, दो कार्बन, इथ। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अभी तक वाली टेबल ही याद नहीं हुई है, मैथिथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट नॉन डॉन डेक, ना तो क्या करें, बार कुछ लोगों को तो पहला ही याद नहीं है मैथ क्या होता है, वो तो चलो मैथ पढ़ते हो तो याद होगा, वरना तो वो भी याद नहीं है सवाल कुछ है। लोग, ठीक है। तो अब जरा सारे बच्चे एक बार मैथिथ प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला बताएं, प्रोपेनॉइक, प्रोपेनॉइक एसिड का फॉर्मूला बना के दिखाएं प्यारे प्यारे बच्चे, कुछ बच्चों ने वीडियो ऑफ कर रखे, ये शर्मीले बच्चे हैं हमारे बहुत ज्यादा, मैं जानता हूँ मार्केट के अंदर किट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत डिमांड बढ़ गई है लोगों की, ठीक है, क्योंकि सब लोग तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो स्कूल सर में तो C2H5COOH, सर सी सी टू टू एच फाइव सी ओ एच ठीक है, वेरी गुड सडन, वेरी गुड स्वास्तिका, यस C2H5COOH मेरे पास गुड। तो देखो कुछ नहीं करना है, COOH, बाकी पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, तो C2H5COOH,
ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है भाई सर। सर एक बात बताओ, हाँ हाँ हाँ, से जितने एसिड हम बना रहे हैं इनका यूज, बिल्कुल बिल्कुल आपको हम 21 तो की सलामी देंगे। अच्छी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है बिल्कुल हम पढ़ेंगे इनके यूज आगे जाके, ठीक है पूरा 12 तक तुम पढ़ोगे बिल्कुल, अगर ऐसे करके एक एक पढ़ने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले हम कार्बोनेटिस कंपाउंड पढ़ रहे हैं कि कंपाउंड बनाना सीख रहे हैं, उसके बाद फिर हम एक नया चैप्टर बनाएंगे एप्लीकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो उसमें तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है चिंता मत करो, ठीक है। वैसे इस बार 10th में तुम्हें दो चीजें पढ़नी है मेन, इथेनॉल, इथेनॉल तो बहुत फेमस है हर कोई जानता है, कुछ लोगों के घरों में होती है, ठीक है, और एक ही मेरे पास है इथेनॉइक एसिड, ठीक है, तो इसीलिए तो ये याद रहेगा सब बच्चों को। अब तो बना ही लोगे यार, मैथ इथ प्रॉप ब्यूट हेक्साहेप्टाइड, बहुत ही बच्चों वाली चीज है मैथ, मेरे को तो एकदम, मैं तो केजी क्लास के बच्चों को सिखाता था तो मुझे पता है कि उनको तो मतलब एक ही सिखाया था, बाकी अपने आप कर लेते थे, ठीक है, लेकिन बाकी अब तुम नोएडा वाले हो तो थोड़ा सा अलग है यहाँ का, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, सिक्किम में है भाई, सिक्किम के बच्चे बहुत तेज होते हैं, ठीक है। तो चलो भाई ये था हमारे पास फाइनली पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। देखो ये जो तुमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं, क्या मैं इनको ये बोल सकता हूँ एलिफेटिक चेन? एलिफेटिक का मतलब होता है सिंपल चेन, कोई इनके अंदर ऐसी रिंग नहीं बनकर आई, तो इनको हम क्या बोलते हैं एलिफेटिक, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। जितना भी तुमने अब तक देखा तो ये मेरे पास है, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ठीक है, तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अच्छा तुम्हारे रेयान में वही अब तुम्हारे स्कूल से चल रही है, वही सेंट्रलाइज चल रहा है, वही बहुत सारे स्कूलों की ब्रांचेस जो चलता है, एलिफेटिक कंपाउंड्स है, तो ये स्ट्रेट चेन होता है। अब एक देखो, एक ना मेरे पास होते हैं बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग थोड़ा सा मतलब होता है स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, बेंजीना भी बताता हूँ। तो अब मेरे पास ये तो हो गया स्ट्रेट चेन, अब एक होते हैं जो स्ट्रेट नहीं होते, तो ये मेरे पास है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब हम बोल सकते हैं जो मतलब क्लोज कंपाउंड होते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड से हमारे पास, और उनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो भी अल्टरनेट होता है। तो मैं इस तरीके से देखो, मान लो तुमने एक एक कंपाउंड बनाया इस तरीके से, जैसे तुमने साइक्लोहेक्सेन देखा था, yes, तो ये अगर yes, तुम इस तरीके से कोई कंपाउंड बना रहे हो और मान लो अल्टरनेटली डबल बॉन्ड जा रहा है ऐसे इस तरीके से, तो अल्टरनेटली डबल बॉन्ड जा रहे हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब इनके ऊपर कोई से भी ग्रुप लगे हो सकते हैं, तो ये जो मेरे इसको हम देखो, अब देखो यहाँ पे ना हर जगह पे कार्बन बता देना, कॉर्नर पे कार्बन होती है, तो यहाँ पर भी कार्बन है जो चुके चुके तुम्हें दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर कार्बन है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन पे कितने बॉन्ड लगे हुए हैं ऑलरेडी? दो बॉन्ड, अरे तीन हो गए ना, एक दो तीन, एक दो तीन हो गए ना, तीन हो गए, दो और ये तीन, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन होगा, इस पे भी तीन हो गए, तो इस पे भी एक हाइड्रोजन, इस पर भी तीन हो गए, तो इसका मतलब हर कार्बन पे तीन हो रखे हैं। यस सर, वो हाइड्रोजन काउंटिंग किया था मैंने। सर डेफिनेशन बता दो। एक सेकंड, एक सेकंड। तो ये मेरे पास हो जाएगा C6H6। इसका मतलब जो मेरे पास क्लोज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो क्लोज एक तो मेरे पास हो गया स्ट्रेट चेन, और जो मेरे पास स्ट्रेट चेन नहीं होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है भाई। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत सारे टाइप के हैं, मतलब अब बेंजीन के ऊपर तुम कुछ भी लगाओगे तो भी वो एरोमेटिक कंपाउंड ही माना जाएगा, ठीक है भाई। बेंजीन कह रहे हैं ना? हाँ, बेंजीन कंपाउंड जितने भी, तो सारे बच्चे लिखे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दी केमिकल, केमिकल आर दी केमिकल कंपाउंड्स, आर दी केमिकल कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ, विच कंसिस्ट ऑफ प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर या रिंग सिस्टम, विच कंसिस्ट ऑफ प्लेनर, ये प्लेन के अंदर होता है, प्लेनर रिंग सिस्टम, प्लेनर रिंग सिस्टम, एंड हैव अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, एंड हैव अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एंड हैव अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, They are called aromatic compound. ठीक है, तो ये मेरे पास का बेस्ट एग्जाम्पल है बेंजीन। इसका नाम क्या होता है? बेंजीन। सर मेरे को एक डाउट है सर, जो एक कार्बन है
उसके दो बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड कौन सा है इसके अंदर? यस सर। मैम देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो तीन हो गए ना। अच्छा मान लो सर, मैं इसको, तो आपने जो लाइंस ड्रॉ करी है सर, ये है क्या? ये बॉन्ड्स है सर, तो कार्बन के साथ ही है। एक सेकंड अभी समझ में आ जाएगा। अब सर ने बड़ा कर दिया, डबल बॉन्ड। अच्छा आपने डबल बॉन्ड दिखाया है। हाँ ओके सर, ठीक है ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसा है, मैंने बोला था ना कार्बन तुम्हें दिखता नहीं है, और ये बॉन्ड्स हैं बड़े बड़े, ठीक है? तो बड़े बड़े बॉन्ड्स बनाए जोड़ने के लिए। तो ये अपने आप में क्या क्लोज स्ट्रक्चर है या नहीं सबके सब? तो सर जब एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं तो उसमें हाइड्रोजन कम हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तुम अभी देख रहे हो क्योंकि तुम्हें कम दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है? तुम अपनी ऑब्जर्वेशन से भूल सकते हो, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है जो लिखित में हो। हाँ हाँ सर, C6H6 बेंजीन है। हाँ C6H6 बेंजीन है। यस प्यारे प्यारे बच्चे, C6H6 बेंजीन है, ठीक है? अच्छा देखो, अब कुछ कंपाउंड्स हैं जिसके तुम्हें नाम याद रखने हैं। देखो अभी तो शुरुआत हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तुम्हें पता है 12th में एक बुक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुम्हें पढ़नी है इफ यू टेक साइंस, ठीक है? एक पूरी बुक केमिस्ट्री की, दो बुक होती है। तो बहुत आई नो कि तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए पढ़ने के लिए, एकदम एकदम एकदम। दो बुक होती है कि दो वॉल्यूम होते हैं? अबे मतलब दो पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, ठीक है? तो देखो अब ये देखो, ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसके डबल बॉन्ड जो इस तरीके से है, ठीक है? तो ये जो डबल बॉन्ड अल्टरनेटली होते हैं, अगर मान लो इसके ऊपर तुमने एक CH3 लगा दिया, ठीक है? ये वही बात है, ऐसे जुड़ा हुआ है। तो अगर तुमने CH3 लगा दिया तो इसका नाम क्या होता है? ये कुछ कॉमन नेम है, याद रखना सारे बच्चे। तो इसका नाम हो जाता है टॉल्यूइन, ठीक है? तुम फाउंडेशन के तो पता होना चाहिए। तो बेंजीन है तो C6H6, और अगर देखो देखो अब यहां से एक हाइड्रोजन हटा तभी तो ये CH3 आया भाई, हर जगह पे हाइड्रोजन था, ठीक है? यहाँ पर भी हाइड्रोजन, हर जगह पे हाइड्रोजन था, लेकिन सब में तो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन हटके CH3 आया है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? C6H5CH3, am I right? भाई कैसे? अरे मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ही जानबूझ के लगाया है, कि अगर बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप को तुम अटैच कर दोगे तो उसे हम टॉल्यूइन बोलते हैं, ठीक है? मैंने खुद ही जानबूझ के ऐड करा है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और जानबूझ के एक CH3 को अटैच कर दिया। एक बच्चा कह रहा है सर CH3 क्यों, CH4 करो। अरे CH4 कर दोगे तो फिर कार्बन अटैच ही नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के पास भी एक वैकेंसी होनी चाहिए और उस वाले कार्बन के पास भी, तभी तो जुड़ेंगे आपस में। जब ये वाला कार्बन क्या 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 अपनी मर्जी से कुछ भी अटैच कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब जो चीज हमने देखी हुई है, मतलब मैंने तो ऑब्वियसली आगे का पढ़ लिया, तो इसलिए ऐसे तुम बोलने को बोल सकते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन वो लिखना मत, ठीक है? एक काम करना, एक कॉपी लेना, उसमें चुपके से जो लिखना है वो लिख देना, लेकिन पेपर में वो लिखना जो मैं करवाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर लेना, ठीक है? तो मान लो मेरे पास एक ये ऐसे बेंजीन रिंग है, ये मैं एक्स्ट्रा नीचे खींच जा रहा हूँ हमेशा। अब इसके ऊपर मान लो अगर तुमने OH ग्रुप लगा दिया, बताओ OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या बोलते हैं उसे? ऑल। हाँ ऑल मतलब अल्कोहल बोल सकते हैं क्या? ऑल बिल्कुल। तो इसका नाम क्या बन जाता है? फेनॉल। तो ये चीजें कुछ ऐसी जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी एक्चुअली, ठीक है ना? कुछ बच्चे कह रहे कि सर इसकी नोमन, अरे हर्षिता क्या दिखा रही हो, ये वो चल रहा है क्या कोई? अच्छा अच्छा हाँ, मुझे लगा वो मकबरा बन गया। अच्छा 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 अच्छा, बड़ा अच्छा डिजाइन था ये तो, ठीक है। मुझे वो गाना याद आ गया, क्या नाम है, दीवानी हो गई, जो ऊपर दिखा था ना मकबरा सा, ठीक है उस वाले गाने में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक बेंजीन होता है, एक टॉलिन होता है और एक फिनॉल होता है। अरे तुम्हारी फ्रेंड नहीं आ रही आजकल दृष्टि? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी वो, छोड़ दिया उसने तो। क्या हो गया उसको? मैंने सुना उसको कुछ पेन वेन था उसे बैक में। सर मैंने आपको बताया था कि अच्छा, उसके स्पाइन में चोट लग रखी है, तो ट्रैवल में उसके दर्द होता है। पता नहीं कैसे चोट लग गया, वैसे तो वो इतना डांस करती रहती है, मतलब मैंने उसके स्टेटस देखे हैं, अच्छे अच्छे गाने पे इतना डांस करती है वो, और वैसे उसके पेन हो रखा है, बताओ बैक में। मतलब डांस करने में कोई पेन नहीं है, लेकिन चलने में पेन है, बड़ा ही अजीब सा वो है। चलो ठीक है, हर किसी का होगा, हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है। मारेगी मेरे को वो, ये मैं उसको बोलूंगी तो। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हुई है। सर वैसे उसका मन तो है कि आना है। नहीं नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? सबकी श्रद्धा है, क्या पता उससे साइंस ना लेनी हो, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे तो साइंस वाले बच्चे भाई, हम तो साफ बोल रहे हैं, और कॉमर्स वाले। लेकिन सर वो तो कल भी पूछ रही थी कि सागर सर का बर्थडे कब आता है।
ओ अच्छा वही पूछ रही थी। ओके ओके ठीक है, तुमसे कहते पहले 1 रुपया जमा करो तब बताऊंगी। ठीक है चलो। पता नहीं, मैं तो अमर हूं, मैं तो ना कभी पैदा हुआ ना मैं कभी जाऊंगा। ठीक है 28 चलो भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाते टॉपिक के ऊपर। ठीक है आ जाओ आ जाओ टॉपिक के ऊपर। फिर इसका फॉर्मूला C6H5। हाँ 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 तो वही हो जाएगा, देखो C6H5OH, क्योंकि एक का एच हटा और ओ एच आ गया, राइट। सो C6H5OH आ गया है। किसी कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर? ना सर। देखो भाई अब तुमने ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ लिए हैं, अपना एक चीज का ध्यान रखना। सर एक और बात, हाँ 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 बोलो। सर ये हम लोगों ने ये हेक्सा में लिया है ना? हाँ हेक्सा ही लेना है, हेक्सा ही लेना है, अच्छा सिलेबस में ही वही है। देखो एक बच्चे ने क्या करा, ओके सर। एक बच्चे ने ना इस बेंजीन को ऐसे करके बनाया, ठीक है, एक बच्चे ने, फिर एक बच्चे ने उसके थप्पड़ मार दिया बदतमीज। तो कुछ पता भी है या नहीं? मेरे टीचर ने तो ऐसे करके बनाया था, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनाए थे बल्कि ये यहाँ पे बनाए थे ऐसे, तू गलत बना रहा है। तो इसको गुस्सा आ गया, इसने भी थप्पड़ मार दिया कि मेरे टीचर ने तो ऐसे बताया, ठीक है। फिर एक आया तीसरा वाला, दूसरा ने दोनों के थप्पड़ मारे, बदतमीज हो तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम गांव चले जाओ अपने, ठीक है। तो उसने क्या और वो करा, सर थे। तो इसको ऐसे करके बना दिया उसने, ठीक है। तो उसने ऐसे बनाया, अब बताओ कौन सही है? ऊपर के दो ऊपर के दो सही सिर्फ है। कोई ऊपर के दो। अच्छा देखो सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, एक्चुअली वो तीनों ही सही थे, ठीक है, ये भी सही था, ये भी सही था और ये भी सही था। देखो होता क्या है, मैंने तुम्हें रूल लिखवाया ना कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, तो अगर डबल बॉन्ड इस बार यहाँ लगा हुआ है तो अल्टरनेट खाली ये है, अब जब बॉन्ड यहाँ पर हो गया तो अल्टरनेट इस बार ये है। देखो इस पे भी H6 ही बनेंगे और इस पे भी H6 बनेंगे, बना के देख लो चाहे तो, ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्ड इतना है और ये डबल बॉन्ड इस बार यहाँ आ गया, भाई पहले ये इस साइड है अभी इस साइड आ गया है। तो ऐसा बोला जाता है कि बेंजीन रिंग जो होता है ना, बेंजीन का जो केमिकल कंपाउंड है, वो 1 सेकंड के अंदर ही बहुत बार ऐसा कर लेता है, कभी यहाँ पर है कभी यहाँ पर है कभी यहाँ पर है कभी यहाँ पर है, इस तरीके से अल्टरनेट रखता रहता है, डांस नहीं चल रहा है, छैया छैया बता रहा हूँ कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो अगले पल यहाँ पर है, फिर अगले पल यहाँ पर है, फिर अगले पल यहाँ पर है। तो ऐसे करते करते हमें कैसा फील होता है, मान लो अगर कोई ऐसे बहुत जल्दी करने लग जाए तो ये एकदम गोली बन जाएगा, देखो नीचे वाला, हाँ इमेजिन सर करो भाई, यस सर अगले पल यहाँ पर है तो अगले ही पल यहाँ पर है, फिर अगले पल यहाँ पर है, जैसे ऐसे सर। करते करते स्पीड बढ़ा दो हाँ सर तो फिर एक तरह से गोली बन जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली एक फिनोमेना है। जैसे मुझे एक बात बताओ, क्या जैसे मान लो हर बार मैं क्लास लेता हूँ तो क्या हर बच्चा आ रहा है तो क्या हर बच्चा बिल्कुल डिट्टो एक जैसे ही मूड में आएगा? नहीं, क्या पता आज वो बहुत खुश हो, और क्या पता आज उसका कुछ स्पेशल हुआ हो तो आज वो बहुत गुस्से में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या मान लो आज किसी की पिटाई हो, घर वालों ने खूब पेला उसे, मतलब बहुत पिटाई करी हो उसकी, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑफ कोर्स बदतमीजी करोगे तो पिटोगे घर पे, 24 घंटे तुम वो देखोगे साथी आना साथ निभाना, ये जो आते रहते तुम्हारे नाटक कहानी घर घर की साथी का, तो घर वाले तो बोर होंगे और पिटाई करते तुम्हारे की, क्या देखते रहते हो ये सब, ठीक है, ये सब सिमर ससुराल का वो जो आता रहता है, ठीक है ना। आजकल तो वो भी आता है, मैंने देखा स्टार प्लस में मधुबाला, आज मैं ऐसी गलती से लगा लिया, उसमें पता नहीं वो क्या चल रहा टीवी आ गया था। मधुबाला एक बार भी बहुत पहले आया था, वो फिर से रिपीट हो गया टेलीकास्ट, पता नहीं क्यों सर। स्टार अभी प्लस तो राशि बहन चल रहा है। राशि सर बहन पता मेरे नहीं घर पे क्या। भी मेरे पेरेंट्स वही सब देखते रहते हैं मधुबाला, वो कलर्स पे आता है वैसे, हाँ, मुझे उसकी टीवी देखने शादी, को नहीं उसकी मिलता उसी शादी हो रही है चक्कर मधुबाला में। की, और आपको वो फिर कितना एक, पता, कितना अरे टच जैसे अभी मैं मतलब घर वाले देख रहे, तो मैंने देखा कि वो नीचे गिरती सर है और की फिर वो जनरल उसे, नॉलेज और फिर वो उसे पकड़ लेता है, करंट और वो अफेयर पता है जैसे मान लो मधुबाला नीचे गिरती है वो उसको पकड़ लेता है, और कम से कम मधुबाला तीन में तीन मिनट तक कितने उसने तीन बता मिनट दिया तक तीन मिनट तक यही चलता है, डिशो डिशो फिर डिशो डिशो, इस तरीके से 3 बार, मतलब मैं शॉक्ड हो गई, क्या हो, अरे भाई इतने देर तक सर अगर की हो जनरल गया। नॉलेज। चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये एक ही सेकंड में बहुत सारे रंग बदल ले गए। रिकॉर्डिंग तो ओह आई एम सॉरी, चलो कोई बात नहीं, तुम जब आने वाले 10 साल कर बाद आओगे तो ये देते हम जो रिकॉर्डिंग देख देखेगा वो भी उसको भी लो, पता चल जाएगा ठीक है। मधुबाला में क्या चल रहा था। तो फाइनली ये मेरे पास क्या है, तीनों स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं बेंजीन के, आपने ये वो वाला वीडियो भी, देखी क्या ये वाला भी, और ये कौन सी वीडियो, सर? राशि वाली या फिर रसोड़े में कौन था, नहीं यार मैंने बस में सुना है, कौन मैंने था? कभी देखी नहीं, पता नहीं क्या है वो बकवास, मैंने मैं बोले भी कि वो देखी थी, मैं नहीं भेज नहीं दूंगी ठीक है आपको। भेज देना, वही ना वो जो आंटी बड़ी बड़ी बिंदी लगाती हैं, बहुत मस्त है सर। अच्छा, मैंने सुना है कि जो भी खतरनाक औरत होती है वो हमेशा बड़ी बिंदी लगाती है, पता नहीं क्यों उसे डर लग जाता है या फिर पता नहीं क्या लगता है। वैसे तो मेरी बुआ जी जो थी वो भी बड़ी बड़ी बिंदी लगा देती है, उन्हें देख के मैं खुद डर जाता था, लेकिन वो ऐसे नहीं बोलते थे रसोड़े में कौन है। ठीक है चलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, हम सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सर मैंने आपको लिंक भेज दिया, क्लास के बाद देख ठीक लेना। है, थैंक यू।
यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप लग जाएगा मान लो, ठीक है, तूने कोई भी ग्रुप लगा दिया CH3OH, तो इस ये तीन पोजीशन है, ठीक है, ये तीन पोजीशन है, सारे पीछे ध्यान रखना। इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो। इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, और इसको हम बोलते हैं पैरा। सारे बच्चे याद रखेंगे। एक बच्चा कह रहा तो सर ये जो बच गए दो, इनको क्या बोलेंगे? सबसे पहले क्या लिखा है आपने? ऑर्थो, ऑर्थो। तो इसको भी हम ऑर्थो ही बोलते हैं और इसको भी हम मेटा ही बोलते हैं। लेकिन पैरा तो ऑर्थो क्यों बोलते हैं? नाम है इसका यार, नाम है, ऐसा कुछ नहीं है, नाम दिया गया है, वो आगे तुम पढ़ोगे लैटिन वर्ड के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर है तो जस्ट उसका अगला वाला क्या होता है ऑर्थो, उसके नीचे वाला क्या होता है मेटा, और ठीक नीचे वाला क्या होता है जो बीच में होता है उसे बोलते हैं पैरा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब ना हम यहाँ पे अपना तुमने जितनी भी चीजें थी वो सब तुमने पढ़ ली है। अब इसके बाद ना अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मेन नोमेनक्लेचर। अब तक जो तुमने सीखा वो ABCD था, अब तुम सेंटेंस बनाने जा रहे हो। यस सडन, ऊपर वाले क्या बोलते हैं ऑर्थो के ऊपर? ऑर्थो के ऊपर नहीं है भाई, वो मेन ग्रुप ही होगा ना, ग्रुप को देख के तो डिसाइड हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी OH हो सकता है, ये मेन ग्रुप है, कोई यहाँ पे कुछ भी CH3 हो सकता है, उसी को देख के पहला वाला। मान लो देखो, जैसे मान लो मैंने तुम्हें ऐसे बना दिया, मान लो एक सेकंड देखो, मान लो एक बेंजीन लिख है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे OH लिखा, OH, तो इसका ये वाला ऑर्थो होगा, ये वाला मेटा, और ये वाला पैरा, और ये वाला भी ऑर्थो होगा, ये वाला ही मेटा होगा। लेकिन मान लो एक बच्चे ने क्या करा, चला के दिखाई, एक बच्चे ने ऐसे कर दिया, एक बच्चे ने बोला सर अगर मेरा OH ये है तो आपको नहीं लगता ये अब मेटा हो गया? नहीं भाई, इसने इसी को घुमा दिया, चला के दिखा रहे हो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा है, ठीक है। बेंजीन को यहाँ पे वो खड़ा हो रखा था, यहाँ पे तुमने उसको लिटा दिया, तो क्या तुम उसको वो समझ रहे हो? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहले वो वर्टिकल था, तुमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो बात तो वही रहेगी ना। अरे भाई जब तुम्हारा हाथ अभी मेरा यहाँ है, जब मैं सोऊंगा तो मेरा हाथ कहीं और आ जाएगा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो रहेगा, एक लड़की वाली, ठीक है, जब वो सोई तो उसके पैरों पे आ गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो जहाँ पर है वही पे रहेगा, ठीक है, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। अब हमारे पास आ रहे हैं नोमेनक्लेचर। ये तो शायद डाइवर्सिटी में भी था पिछले साल नोमेनक्लेचर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो उनके नाम के लिए था, एनिमल्स के और प्लांट के, जीनस और स्पीशीज। अब हमारे पास आ रहा है यहाँ पे कंपाउंड। देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना, सिंपल सिंपल नेमिंग तुमने सीख ली है, अब ना एक चीज ध्यान सुनना, अब आ रहे हैं थोड़े बड़े कंपाउंड्स, तो उसका ना तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, जो अभी सुहानी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्यों हम उसको बीच में क्यों नहीं ले सकते, इस जस्ट एक के बाद क्यों, तो अब वही चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी कोई भी बड़ा कंपाउंड होगा सबसे पहले उसका सबसे बड़ी चेन डिसाइड करनी है तुम्हें। क्या करनी है? सबसे बड़ी चेन डिसाइड करनी है, जितने भी ग्रुप्स उसमें लगे हुए हैं उनको अल्फाबेटिकली लेना है, ठीक है। मान लो उस पे तीन चार ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको तुम्हें क्या लेना है, अल्फाबेटिकली ABCD वाइज, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हमेशा तुम्हें लास्ट में लिखना है। सारे बच्चे ध्यान है, मैंने तीन बार फिर से बताओ। हाँ हाँ, अभी के लिए सबसे पहले अगर कंपाउंड बड़ा होता है तो उसके लिए लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, उस लॉन्गेस्ट चेन में जितने भी अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं उसको अल्फाबेटिकली वाइज लिखना होता है, अल्फाबेटिकली, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हमेशा लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। ये तीन बातें सबको याद रहेंगी, बस अभी ध्यान रखो, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब मान लो एक मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये मैंने ऐसे कंपाउंड दिया है। अभी ये कंपाउंड को तुम इसका नाम दे सकते हो, ऑफ कोर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये मेरे पास हेप्टोन है, नहीं हेप्टेनॉल है, हेप्टेनॉल हो गया ना, हेप्ट और ये हेप्टेनॉल, ये तो बहुत सिंपल है। अब मान लो मैंने तुम्हें क्या करा, मैंने एक यहाँ पे दे दिया CH3, ध्यान से सुनना अभी सारे बच्चे, एक मैंने यहाँ पे CH3 दे दिया, ठीक है, और मैंने मान लो एक CH3 यहाँ दे दिया, ठीक है। तो अच्छा अभी एक काम करते हैं, मैं जानता हूँ तुमको कहोगे कि सर ये क्या हो गया, बहुत सिंपल है। देखो CH3 का जो नाम होता है ना, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका नाम होता है मिथाइल। तो CH3 जब CH4 होता है उसे मिथेन बोलते हैं, तो CH3 जो होता है उसका नाम होता है मिथाइल, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। तो CH4 को मिथेन, CH3 को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं हम। नंबरिंग हमेशा कहां, देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। अब नंबरिंग हमेशा कहां से करते हैं, जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप ये है ना, ये तो नंबरिंग तुम यहां से करोगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब जरा बताओ मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे लगा हुआ है?
थ्री. तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, तो तुम लिखोगे थ्री मिथाइल, तो तुम इसमें लिखोगे थ्री मिथाइल. अच्छा तो मैंने लिख दिया. अच्छा अल्फाबेटिकली तो एक ही तो ग्रुप है, तो क्या अल्फाबेटिकली करेंगे. अभी अपने आप में क्या है, हेप्ट, ठीक है. yes, तो ये ऑल है, तो हम लिख सकते हैं हेप्टेनॉल, सिंपल. वैसे तो स्मॉल में लिखते हैं सर, स्मॉल, ठीक है. तो थ्री मिथाइल हेप्टेनॉल, देखो यही तो कंपाउंड होगा, तो थ्री पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और बाकी पूरा क्या है, ये अपने आप में हेप्टेनॉल है, सिंपल. सर आपने पहले भी लिखाया था एक बार मिथाइल, हाँ वहां पे नीचे में सिक्स पे. हाँ अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं उसके ऊपर. yes, sir, उसको भी लिखा. अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं भाई, अभी मिटा दिया ना, अभी नहीं है ना. अब मान लो, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है. अब मान लो थ्री पर क्यों लगाया था, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन में दिया था, मैंने क्वेश्चन में दिया था, ठीक है. हाँ कोई बात नहीं, तो ये थ्री पे है तो इसलिए थ्री मिथाइल हो गया. अब मान लो, अब अगर मैंने मान लो उसे कहाँ पे लगा दिया होता, थ्री पे तो लगा हुआ ही है, मान लो मैंने उसे सिक्स पे लगा दिया होता, ये सी एस थ्री. तो अब जरा बताना मिथाइल ग्रुप कितने को नंबर पे लगा हुआ है. एक तीन पे लगा हुआ है, एक छह पे लगा हुआ है, राइट. यस सर. तो अब मेरे पास ये क्या हो जाता है, देखो पोजीशन लिखनी है थ्री पर कॉमा सिक्स पर. अब ये दो मिथाइल है, तो उसके बाद क्या लिखोगे, तो थ्री सिक्स डाई मिथाइल, ठीक है. एक थ्री वाला मिथाइल और एक सिक्स वाला मिथाइल, तो दो मिथाइल मिलके क्या बन जाते हैं, डाई मिथाइल. और ये पूरा क्या है, सेवन है, सेवन के लिए हम क्या लेते हैं, हेप्ट. और ये क्या है, ऑल. तो ये हो जाएगा हेप्ट. कुछ लोग, कुछ टीचर, देखो हेप्टेनॉल हो गया, ठीक है. लेकिन कुछ टीचर कहते हैं कि एक्चुअली अब हमें ये तो नहीं पता कि ऑल कहाँ पर है. वैसे ऑब्वियस है ऑल वन पर ही होगा, लेकिन कुछ टीचर बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों आप एक काम करें, अगर आप अच्छा वाला नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो आप ना हेप्टेनॉल तो लिख सकते हैं. ऑफकोर्स कोई टीचर गलत नहीं कर सकता, किसी में भी कोई दम नहीं है, ठीक है, कि कोई ये इसको काट दे, ठीक है. तो इसको क्या लिखते हैं कुछ टीचर, हेप्ट करके ऐसे वन ऑल करके बोलते हैं. देखो फाइव इंटू वन, और एक बच्चा कह रहा है भैया पांच रुपए की टॉफी देना, उन्हें कहा ले ले बेटा. फिर दूसरी बच्ची ये कह रही कि भैया फाइव इंटू वन की टॉफी दे दो, तो उसने बोला फाइव इंटू वन इसका मतलब वन, मतलब नहीं सॉरी फाइव फाइव, ठीक है, फाइव इंटू वन फाइव होता है ना, तो इसने बोला फाइव, तो उसने कहा ठीक है एक ही बात है. तो इसी तरीके से अगर तुम हैप्टन ऑल बोलो या हैप्ट इंटू वन ऑल बोलो तो वो एक ही बात है, ठीक है. तो कैसा भी करके ले सकते हैं, तो एक ही बात है. किसी कोई डाउट तो नहीं है. नो सर. अब ये जिस तरीके से सी एस थ्री मिथाइल होता है, उसी तरीके से मेरे पास सी टू एक्स तुमने पढ़ा था, और जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से कम किया, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ कम कर दो, तो ये बन जाएगा इथाइल. नहीं आया समझ, तो अभी इथाइल बन जाएगा. तो जरा अब जरा बताओ इसका क्या नाम होगा, फिर से स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा. हाँ भाई अच्छे से. अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, बिना स्ट्रक्चर के तुम नाम कैसे दोगे. तुम एक तरह से बोले कि बेबी हुआ नहीं है, तो एक और कह रही भैया मेरे को अपने बेबी का नाम रखना है. अरे भाई पहले बेबी के बिना कैसे नाम रख लोगे तुम, मजाक चल रहा है यहाँ पे. कह रही नहीं नहीं मुझे रखना है बस, ठीक है. तो ऐसा नहीं होता, ऑफकोर्स स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा, वरना नाम किसका करोगे. यस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अभी तो बताया इथाइल सडान मिथेन पड़ा है कार्बन का. हाँ एक सेकेंड, जब सेम चीजें होती है ना, तो जब सेम चीजें होती है तब हम उसे बोलते हैं डाई, लेकिन जब अलग अलग चीज है तो तुम उसे डाई कैसे बोल सकते हो भाई. जैसे पहले सी एस थ्री था, दूसरा भी सी एस थ्री, तो एक साथ लिख दिया दोनों बहनों को, क्योंकि दोनों बहन एक जैसी थी. लेकिन जब अब दोनों बहनें अलग अलग हैं, एक 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 को आम पसंद है तो एक को खरबूजा पसंद है, तो फिर तो तुम उसको एक साथ नहीं ले सकते ना, तो इसलिए अलग अलग लिखना पड़ेगा तुम्हें. इसका क्या होगा, क्या टू मिथाइल फोर इथाइल और कार्बोनिक एसिड. अच्छा और लॉन्गेस्ट चेन कहाँ गई, कितनी कार्बन की चेन है वो कौन बताएगा. देखो कोई बात नहीं हाँ ठीक है. आपने किसका लिखा है, देखो सारे बच्चे ध्यान सुने, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, राइट. तुम सबको मैंने पहले ही बता रखा है, हमेशा नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है. तो ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन तुम लोगों को पता है फंक्शनल ग्रुप में हम वो वाली कार्बन को काउंट करते हैं, कभी भी उस कार्बन को छोड़ के मत करना, इसके अंदर कार्बन को काउंट करना है. तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स और ये सेवन, राइट.
तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो अब जब मेरे पास है अपने आप में, तो जरा बताना क्या मैं बोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास थ्री मिथाइल फोर इथाइल हेप्टॉइक एसिड, थ्री पे मिथाइल है, फाइव पे इथाइल है। मिथाइल और इथाइल में से कौन पहले आता है, मैंने बताया था अल्फाबेटिकली इथाइल। इथाइल तो पहले किसका, तो पहले इथाइल लिखोगे, फाइव इथाइल। ओके सर, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास क्या है, थ्री पे मिथाइल और ये पूरा क्या अपने आप में हेप्ट, तो ये हो जाएगा हेप्टेनोइक एसिड। कुछ लोग हेप्ट वन ऑइक एसिड बोलते हैं, मैंने बोला है बिल्कुल लिखो आपका सवाल। ऑइक एसिड सर COOH की वजह से हेप्टेनोइक, हाँ ऑइक पड़ा, बिल्कुल ऑफ कोर्स COOH का मतलब ऑइक एसिड होता है, बिल्कुल ठीक है भाई। सुहानी समझ नहीं आ रहा, नहीं बहुत टफ है ये सर, आ गया आ गया, ठीक है। माही प्यारी प्यारी बच्ची, यस सर, बहुत टफ है ना ये? नहीं सर आ गया। सर मैंने एक्चुअली COOH में ना C वाले को वन नहीं लिया था। अच्छा अच्छा, तो इस चीज का ध्यान रखें सारे बच्चे। सर मेरा भी वन जो था बाकी, हाँ हाँ बोलो बोलो सर। बाकी सारे जितने भी जिसमें भी सी है उन सबको भी सी कंसीडर करना है जब उसमें फंक्शनल ग्रुप में आएगा तो। हाँ हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स भाई, बिल्कुल ओके सर, ठीक है। अच्छा तो अब जरा मुझे इस कंपाउंड का नाम बताएं आप लोग। एक सेकेंड, मान लो मैंने ये बोल रखा है, यहाँ पे मेरे पास ना एक ग्रुप लगा हुआ है, मान लो OH ही मान लेते हैं, चलो। हाँ अब बताओ क्या नाम होना चाहिए इसका। फोर इथाइल पेंटेनॉल, फोर इथाइल पेंटेनॉल, ठीक है यस सर, सही है, फोर इथाइल पेंटेनॉल, ठीक है। सबको ये लग रहा है फोर इथाइल पेंटेनॉल? हाँ जी सर, ठीक है। कोई भी बच्चा होता ऑफ कोर्स वो यही बोलता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां से होता है वहां से हम नंबरिंग करते हैं, वन टू थ्री फोर, तो फोर इथाइल पेंटेनॉल, ठीक है। अब जरा तुम एक बार ध्यान से देखना, बिल्कुल सही बोला है तुमने, मैं भी यही करता। इस C2H5 को क्या मैं एक तरह से ऐसे लिख सकता हूं, ये भी तो C2H5 ही है भैया, C2H5 है ना एक तरह से, यस सर। अच्छा मैंने तुम्हें एक रूल बताया था ना, हमेशा हम क्या लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, कुछ याद आया? अब तुम्हें नहीं लगता yes, कि ये C2H5 देकर तुम्हें पागल बनाया गया है, तुम्हें उलझाया गया है, तुम्हारे साथ धोखा किया गया है? क्योंकि अगर तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है तो देखो वन टू थ्री फोर, अब तुम यहाँ फंस गए कि नीचे जाए या ऊपर जाए लॉन्गेस्ट चेन में। देखो ऊपर जाते तो सिर्फ पांच कार्बन बनती है, और अगर नीचे आते तो छह कार्बन बनती है। तो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए, नीचे। तो ये फाइव और सिक्स हो गए, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन छह हो गई। अब तुम मिथाइल ग्रुप किस पे लगा हुआ है, कौन सी नंबर कार्बन पे, ये मिथाइल ग्रुप कौन सी नंबर, अरे सी का मतलब सी एस थ्री होता है भाई, एच दिख नहीं रहे तुम्हें, यस सर। वो फोर्थ वाली कार्बन पे लगा हुआ है ना ये इस बार, ठीक है yes, अरे भाई ये सी का मतलब सी एस थ्री होता है, जो एच तुम्हें कभी दिख नहीं रहे हैं, किसी पे भी एच नहीं दिख रहे हैं, तो ये इस बार फोर पे लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इस बार, वन टू थ्री फोर, तो इसका मतलब फोर मिथाइल हेक्सेनॉल या हेक्सवनॉल, ठीक है। इज दैट क्लियर सर? अगर दोनों बराबर होते फिर तो, बराबर तो कोई सा भी ले लो भाई, आंसर तो वही आएगा। अरे अगर दोनों बराबर है तो ऊपर लो या नीचे लो, बात तो वही हो जाएगी। सर एक डाउट है सर, अभी आपने जो पिछले से पिछला क्वेश्चन दिया था, हाँ उसमें सी एच, सर यहाँ पे सी सेवन जो है इसमें भी तो फिर सी एच थ्री होगा। मैम मैंने आपसे क्या बोला था अभी, सदन ने क्या बोला आपसे कि जब दोनों लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन ये भी दो वाली एक्स्ट्रा है और नीचे भी दो वाली एक्स्ट्रा है, तो अगर तुम नीचे जाती तो ये बन जाता इथाइल, और जब तुम ऐसे गई हो तो बन गया ये इथाइल। भाई नीचे भी जा सकते थे ऊपर भी जा सकते थे, राइट yes, sir. तो क्यों ना सीधे चले जाओ, जब सीधा रास्ता खुला हुआ है उतने में ही, एक रास्ता टेढ़ा है तब भी उतना जाना है, और एक सीधा है तब भी उतना जाना है, तो बेफालतू की टेढ़ा जाओगे कि नहीं नहीं टेढ़ा जाने में मजा आता है क्योंकि हम खुद टेढ़े हैं, ऐसा नहीं है, सीधे बन के रहो, ठीक है अच्छा रहेगा, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। अब देखो अब ना जैसे अब मुझे बताओ, एक बार ऊपर कर लो, बिल्कुल बिल्कुल,
तो हमेशा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो करते हैं जहाँ पे मेरे पास फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन मान लो अगर बहुत ऊपर कर लिया अरे हेक्स, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बस हम, बस हम, हाँ बोलो बोलो से पेंटा होगा सर, आपने हेक्सा कर दिया है भाई, कौन सी दुनिया में भाई, तो जरा काउंट करना 1 2 3 सब तीन, अच्छा सर आपने नीचे खींच दिया है सॉरी। अबे क्या समझा रहे, यही तो समझा रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, तो नीचे लॉन्गेस्ट है इसलिए लिया है, C2H5 को ओपन कर दिया तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी, यही तो समझा रहे हैं। तो अब तुम फिर से वो वाली बात कर रहे हो कि एबीसीडी क्या हो गया, बिल्कुल अच्छी बात है पूछना चाहिए, तो नीचे लॉन्गेस्ट चेन है इसलिए लिया है, तो फिर अब वो एक क्या बन जाएगा, वो एक ब्रांच की फॉर्म में लिया जाएगा, याद रहेगा सब बच्चों को ये बात। यस सर, यस सर। अब एक चीज का ध्यान रखना सब बच्चे कि जब भी मेरे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है तो फंक्शनल ग्रुप के बाद भी मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है हम वहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और जहां से ब्रांचिंग पास पड़ती है वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें मतलब अभी बस याद रखनी है, इन चीजों का यूज आगे जाके आने वाला है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ इसके, ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो एक काम करते हैं, इतना तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मान लो अगर तुम्हें दे रखा है मान लो एक ऐसा कंपाउंड, मान लो यही एक कंपाउंड है, तो एक बच्चा कह रहा है सर मैं काउंटिंग कहां से स्टार्ट करूं, जरा बताना अगर काउंटिंग एक बच्चा लेफ्ट से करता है राइट से करता है तो वो एक ही बात मानी जाएगी। यस सर। भाई कहीं से भी कर सकते हैं इसमें तो, लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, तो अब जरा बताना अगर मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और अब वो ऐसे करके है, अब जरा बताओ फिर नंबरिंग हम कहां से करेंगे सर, डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक सी भी लगा हुआ है मान लो, तो इसका नाम बताओ क्या होगा इसका नाम कंपाउंड का, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ती है वहां से हम देखो फंक्शनल ग्रुप तो बीच में ही है तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड वहां से पास में पड़ रहा है राइट से, तो नंबरिंग भी हम कहां से स्टार्ट करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, अपनी राइट से करेंगे। तो जरा काउंटिंग करें और इसका नोमेनक्लेचर बताएं मुझे क्या नाम होना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों के अकॉर्डिंग। सर काउंटिंग करते वक्त हम लेफ्ट साइड जाएंगे कि राइट भाई क्या सर उसमें कंफ्यूज हो भाई, अगर अगर राइट से करेंगे तो राइट तक की काउंटिंग ऐसे जाएगी, राइट करोगे तो लेफ्ट अपने आप पहुंच जाओगे ना, वो भी बात सही है, कोई बात नहीं अभी स्टार्टिंग है ना तो ये सब चीजें होती हैं, बहुत चिंता वाली बात नहीं है, मैं करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड पास में तो 1 2 3 4 5 6 7, अब एक बच्चा कह रहा है सर ऊपर जाऊं या नीचे, एक ही बात है यहाँ पे भी एक है यहाँ पे भी एक है, तो एक बच्चा कह रहा है मैं तो नहीं मैं तो सीधा जाऊंगा, अरे जब उतना ही डिस्टेंस चलना है तो क्यों मुड़े, एक बच्चा कह रहा है मुड़ने में मजा आता है जब गाड़ी घूमती है तो ठीक है ज्यादा स्टाइल नहीं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो अब यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है सबको, तो इसका मतलब तो हम क्या लिखेंगे 7-methyl लिखे, 7-methyl लिख दिया। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे लास्ट में लिखते हैं, एक तीसरा रूल बताया था मैंने, याद आया, जैसे फेनॉल था पेंटेनॉल था लास्ट में लिखा उसे ऑल, इसी तरीके से यहाँ पे कौन है कीटोन, और कीटोन तो बीच में आता है लेकिन यहाँ पे वो एक छोड़ के नहीं आया है, बहुत सारों को छोड़ के बीच में आया है, तो इसीलिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा 7-methyl octane है ना ये ऑक्ट, अब जरा बताना तो कितने पे नॉन आया है ऑक्ट, कितने पे नॉन आया है 5 पे, तो ऑक्ट तो ऑक्ट 5 नॉन, ऑक्ट 5 नॉन, याद रहेगा सब बच्चों को ये बात, ऐसा लग रहा है डेट लिख रहे हैं सर अक्टूबर 5